मिट जाएंगे दावते इलियासी वाले, आएगा जब तूफान बरेली वाले का, तोते कबूतर सब पल में उड़ जाएंगे, इलियास ओ शाकिर पल में मिट जाएंगे, आएगा जब तूफान बरेली वाले का। कोलकाता के रहने वाले एक मशहूर शायर ने ये अशआर पढ़े हैं, जिनकी बुलंदी का अंदाज़ा उनकी फीस से लगाया जा सकता है। हम उनकी तारीफ़ में कुछ अर्ज़ करें ये गुस्ताखी होगी। हिंदुस्तान में रहने वाले कई लोगों को इनकी अजमत और हकीकत सब मालूम है। शायर साहब ने इस भोली उम्मत से मोटी मोटी रकम लेकर कई जगह ये अशआर पढ़े हैं। हमें मोटी रकम से कोई लेना देना नहीं, वो आपका मामला है, आप समझें, लेकिन खुदा के वास्ते इस तरह उम्मत को तोड़ने का काम न करें। आज इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत है ये आपसे भी पोशीदा नहीं, लिहाजा इस अंदाज में उलमा के अख्तिलाफात को बयान न करें। मज़कूर अशआर में हज़रत अल्लामा इलियास अत्तार क़ादरी साहब, अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब और उनकी तनजीमों का जिस अंदाज में आपने रद्द किया है उससे हम जहालत ना कहें तो क्या कहें। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि आप एक ऐसा गढ़ा खोद रहे हैं जिसमें अनकरीब आपको आपके अपने ही ढकेलेंगे। आपने ये अशआर पढ़कर जो जुरत की है वो यकीनन काबिल मजम्मत है। आपसे अगर हम ये सवाल करें कि उलमा के अख्तिलाफात में इस तरह की बातें कहने का हक आपको किसने दिया, तो आपका क्या बनेगा। आवाम तो सफ़ेद कागज़ है, इस कागज़ को स्याह न करें। अगर आप जोड़ने का काम नहीं कर सकते तो तोड़ने की कोशिश भी न करें। अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद फरमाए और हमें अपने मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त करने और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।